हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संजीव सर आईटीआई के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं जी, फिटर ट्रेड वाले स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चन है जी। ये एग्ज़ाम में सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट हो फिटर ट्रेड के या मैकेनिकल ग्रुप के, जो भी ट्रेड है जी, मैकेनिकल ग्रुप के जो भी टू ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा था जी। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है जी, ये सभी क्वेश्चन सेम टू सेम। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे जी, कैसे कैसे इसको सॉल्यूशन इसका करेंगे। तो फर्स्ट में पूछा था जी, ड्रॉ टू व्यू फ्री हैंड ड्राइंग ऑफ डोमेट कैप नॉट, यानी नॉट का फिगर बनाना था, डोमेट कैप नॉट का जो उसका टू व्यू बनाना था जी, फ्रंट व्यू और आपका टॉप व्यू बनाना था यहाँ पे। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन था, ड्रॉ ए स्नैप हेड रिवेट सुइटेबल ऑफ सेंक डायमीटर 20 mm। ये सभी क्या था जी, 10-10 नंबर में क्वेश्चन था जी यहाँ पे। ये सभी देखिएगा, यहाँ पे सभी 10-10 नंबर में क्वेश्चन था। उसके बाद तीन नंबर क्वेश्चन था जी हमारा, ड्रॉ ए पैराबोला डायरेक्ट्रिक्स ऑर्डिनेट मेथड ऑफ फोकस इज एट 50 mm, यानी फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स मेथड से बनाना था जी। और इसका टोटल मेजरमेंट कितना था जी, यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स से और फोकस का दूरी था जी हमारा 50 mm। तो ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, तो इसका स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे। और उसके चार नंबर क्वेश्चन था जी, ड्रॉ दी फॉलोइंग थ्री व्यू ऑफ फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ बूस्ट जर्नल बेयरिंग असेंबली, दी डायमीटर ऑफ शाफ्ट इज 30 mm। क्लियर हुआ जी? तो अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट में था जी हमारा टू व्यू ऑफ फ्री हैंड स्क्रीन डोमेट कैप नॉट, तो इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कैसे ड्रॉ करेंगे जी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिख दे रहे हैं जी, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, फर्स्ट है जी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये आंसर है जी। तो यहाँ से आप मिला सकते हैं, ये है जी पिछले साल पूछा था जी, अभी जस्ट अभी एग्ज़ाम हुआ है जी, तो उस टाइम पूछा था। हो सके फिर इनकेस फ्यूचर में भी इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन एक दो जरूर रहता है जी। तो इसको हम लोग समझेंगे कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग डोमेट कैप नॉट, कैप नॉट कैसा होता है, हेक्सागोनल नॉट होता है। कैसा होता है जी, हेक्सागोनल नॉट होता है, षष्ठभुजाकार। तो हम लोग सबसे पहले एक षष्ठभुजाकार आकृति बनाएंगे। तो हम इसमें कोई भी डायमीटर वगैरह कुछ नहीं, तो हम अपने से डायमीटर ले ले रहे हैं जी 40 mm। कितना का ले रहे हैं जी, 40 mm का डायमीटर ले लीजिए, अपने से लेकर बना। फ्री हैंड पूछा है जी, आप फ्री है कोई भी, आप 20 पे भी लेके बना सकते हैं जी। तो आप हम यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए 40 पे लेके बना रहे हैं जी। तो आप छोटा बड़ा कोई भी बना सकते हैं जी, इससे कोई दिक्कत नहीं है कि ना हम जितना बता रहे हैं उतना ही आप लोग बनाइए। आप फ्री हैं, कितना का बना सकते हैं। क्लियर हुआ जी? एक यहाँ पे ले लिए जी। उसके बाद आगे ध्यान से देखिएगा, इतना ले लिए ये 40 का। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे इसका। इसका सेंटर लाइन कैसे ड्रॉ किया जाता है, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिएगा, ये पेज को देखिए, सेट स्क्वायर से पेज को ऐसे प्रॉपर रखेंगे, आधे ने ऐसे रखने के बाद, यहाँ से पेज पर ऐसे रखने के बाद इसको हम लोग प्रॉपर यहाँ से इसको ऐसे इसको कीजिए। क्लियर हुआ? अब इस लाइन को हम आगे की तरफ भी बढ़ा देंगे, अभी रहने देंगे। अभी सेम अभी काम, अब यहाँ पे भी वही काम करेंगे जी। यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो ऐसा ही पेज को सेट स्क्वायर को ऐसे रख के यहाँ पे प्रॉपर देखेंगे सेट स्क्वायर मेरा सही बैठा है कि नहीं जी। तो ये सब चेक करने के लिए ये सब मापदंड है, तो ऐसे अपने से चेक कर सकते हैं, तभी आप क्या करेंगे जी, सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लियर हुआ जी? तो इस टाइप का आकृति हमारा क्या हुआ जी, बन गया। उसके बाद ये वाला लाइन इसको आगे की तरफ बढ़ा देंगे, इसका कार्य है जी। तो अभी आप लोगों को बताएंगे, देखिए यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ा दिए, इसको हल्का सा और ऊपर कर ले रहे हैं जी, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद ध्यान से देखिए, अब उसके बाद देखिए ये जो कंपास का दूरी लिए थे कितना जी,
ये था हमारा, ये डायमीटर कितना लिए थे जी, 40, ये 40 लिए थे जी। अब उसके बाद देखिए, अब अंदर में एक और सर्किल ड्रॉ क्या करना, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे हेक्सागोनल बना लेते हैं जी आकृति। तो षष्ठभुज कैसे बनाते हैं जी, आप लोग जानते हैं जी षष्ठभुज आकृति कैसे बनाते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए ऐसा ही बनाते हैं जी। उसके बाद ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, ये प्रॉपर क्या करते हैं, सबको एक दूसरे से यहाँ से प्रॉपर मिलाते हैं, मिला दे रहे हैं जी। यहाँ से देखिए ये वाला पार्ट मिला दिए, उसके बाद ये वाला भी हम लोग बना क्या रहे हैं जी, डोमेट कैप नट बना रहे हैं जी। तो उसको ध्यान से ऐसा ही बनेगा जी, सेम टू सेम। ये हम थोड़ा बड़ा बना रहे हैं आप लोगों को समझने के लिए, आप मेजरमेंट छोटा लेके बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो ये वाला पार्ट हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देंगे जी, क्लियर हुआ यहाँ पे ये वाला पार्ट। उसके बाद यहाँ से ध्यान से देखिए ये वाला, क्लियर हुआ जी। तो यहाँ पे ये षष्ठभुजाकार आकृति बन गया। उसके बाद आगे ध्यान, अब कंपास लेंगे जी, अभी सेंटर पर रखेंगे। अब देखेंगे ये वाला जो लाइन भुजा लिए हैं, इसमें ऐसा हम लोग एक सर्किल ड्रॉ करेंगे जो सभी भुजा से क्या हो जी, स्पर्श करते हुए गुजरे। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे देखिए सभी भुजा से क्या हो रही है जी, स्पर्श करते हुए गुजर रही है ना जी। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ से सभी भुजा से स्पर्श करते हुए यहाँ से गुजर रही है, क्लियर हुआ। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, तो ये वाला हमारा इतना तक हुआ। अभी अब आगे नीचे देखिए, ध्यान से देखिएगा इसमें कैसे हम बनाएंगे, इसमें एक और छोटा सर्किल बनाएंगे। तो सर्किल कितना बनेगा ये ध्यान दीजिए, जितना डायमीटर ये लिए ना, ये जितना डायमीटर लिए उसका आधा लेंगे। तो ये वाला हमारा कितना का लिए थे जी, 40 का, तब हम अब उसका आधा कितना होगा जी, 20 होगा। तो 20 का एक, 20 का हम यहाँ पे सर्किल ड्रॉ कर लेंगे, क्लियर हुआ जी। यानी जो बड़ा सर्किल लिए थे ना जी, उसका छोटा, ये जो जितना दूरी यहाँ से यहाँ है ना, इसका आधा दूरी ले लिए हैं जी, क्लियर हुआ। तो समझ में आ रहा है जी। तो आगे ध्यान से देखिए, इतना हुआ। फिर यहाँ पे एक छोटा सा क्या, हल्का सा 1 mm का, 1 mm का डिफरेंट रह के एक पतला सा यहाँ पे एक और सर्किल हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो क्लियर हुआ जी। तो यहाँ पे हम लोग पतला सर्किल हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद ध्यान से देखिए, यहाँ से ध्यान से देखिए, क्लियर हुआ जी। तो ये वाला हमारा पतला वाला सर्किल, हमारा दो ठो सर्किल ड्रॉ कर चुके, फाइनल हुआ है। देन आगे ध्यान से देखिएगा, ये जो भी हम लोग सर्किल ड्रॉ की, ये वाला जो भी अब इससे ग्राफ करते हुए ये सेंटर लाइन हुआ, उसी तरह नीचे की तरफ और भी लाइन को ड्रॉ करेंगे। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कैसे होगा। तो देखिए सेट स्क्वायर को ऐसे रख लीजिए प्रॉपर, और देन प्रॉपर रखने के बाद यहाँ से यहाँ पे प्रॉपर रखने के बाद अब यहाँ से ये दूरी यहाँ से हम लोग आगे की तरफ बढ़ा देंगे। देन उसी तरह यहाँ से भी दूरी आगे की तरफ बढ़ा दे। उसके बाद यहाँ से देखिए ये जो पार्ट है जी, यहाँ से ये वाला ध्यान से देखिए कैसे हो रहा है जी, वैसा ही सेम टू सेम आप लोग भी बनाइएगा जी।
ऐसे बनाइएगा तो फाइनली हमारा ड्राइंग बिल्कुल सही बनेगा जी, ऐसे। देन उसके बाद वही प्रोसेस ये हुआ। देन उसके बाद इस कॉर्नर से हमारा ये फाइनली हुआ, क्लियर हुआ जी। तो यहाँ तक हमारा क्या हुआ जी, बन के रेडी हो गया। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ ये ड्रॉ कर देंगे, देन इसको भी नीचे की तरफ ड्रॉ कर देंगे, क्लियर हो रहा है जी। ये वाला फाइनल, देन ये वाला भी फाइनल हो गया। उसके बाद यहाँ से देखिए, ये वाला पार्ट हम लोग यहाँ से ड्रॉ कर देंगे, ये फाइनल हुआ इतना। अब देन इतना होने के बाद ये सब देखिए, ये सभी पतले पेंसिल से, ऐसा कीजिए जो पतला पेंसिल चलती हो उसकी सहायता से ये सब प्रॉपर करेंगे, समझ में आ रहा है जी। अब उसके बाद यहाँ पे एक प्रॉपर एक दूरी ले लेंगे, कितना जी, कोई भी एक दूरी ले लेंगे। यहाँ पे देखिए मेरा पेंसिल टूट गया जी, दूसरा पेंसिल। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ से, तो ये वाला आकृति हुआ, क्लियर हुआ जी। ये वाला लाइन हम यहाँ से ड्रॉ ले लिए। उसके बाद देखिए इस सेंटर से लेके यहाँ तक कितना दूरी था जी, हमारा 40 डायमीटर था, तो हम यहाँ से टोटल दोनों साइड में 40 40 40 40 लेंगे जी। यहाँ पे समझ में आ रहा है जी, सबको क्या करेंगे, यहाँ से हाइट हम टोटल 40 लेंगे, फिर यहाँ पर भी हम कितना लेंगे जी, 40 ही लेंगे, फिर ये भी दूरी हम कितना लेंगे जी, 40 ही लेंगे। उसके बाद यहाँ भी हम फाइनली टोटल 40 दूरी ही लेंगे, क्लियर हुआ। यहाँ से भी 40 ही दूरी लेंगे, और उसके बाद ये वाला पार्ट भी 40 हुआ, क्लियर हुआ। देन इतना फाइनल होने के बाद अब आगे ध्यान से देखिए कैसे का। अब ये वाला जो पार्ट है इसको हल्का सा मूव में, इसको मूवेबल में, मूव पॉइंट में मिलाएंगे इसको। देन यहाँ से भी ये वाला पार्ट मूव से, मूविंग करते हुए मिलाएंगे, क्लियर हुआ। देन उसके बाद ये वाला भी पार्ट ऐसे मूव करते हुए मिलाएंगे, क्लियर हुआ। देन उसके बाद ये भी मूव करते हुए यहाँ से मिलाएंगे, समझ में आ रहा है जी ये कैसे हो रहा है जी। ये देखिए डोमेट कैप नॉट बन रहा है, तो थोड़ा सा ये क्या होगा हल्का सा। अब आगे ध्यान से देखिए, इतना तो फाइनली हमारा क्या हुआ जी, बन गया। अब देखिए ये वाला पार्ट है जी यहाँ से, ये भी क्या होगा हल्का सा मूवेबल में होगा, क्या होगा जी, तो ये भी हल्का सा मूवेबल पॉइंट में ये हो गया, क्लियर हुआ जी। इतना फाइनल हुआ। देन फाइनल होने के बाद आप ध्यान से देखिएगा, इसके बीच का दूरी टोटल हमारा कितना है जी, ये 40 40 था जी, तो 40 का हम क्या करते हैं जी, हम 40 का ये, सॉरी ये 40 का आधा लेंगे जी, आधा लेंगे सेंटर पॉइंट। और सेंटर पॉइंट क्या है लेंगे, तो उसका देखिए क्या काम है सेंटर पॉइंट का। अब देखिए सेंटर लिए जी, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से लेते हुए यहाँ से ये वाला टोटल यहाँ तक हम लोग मिला देंगे इसको जी। तो ध्यान से देखिएगा, ये देखिएगा समझ में आ रहा है जी ये कैसे हो रहा है जी। तो देखिए ये वाला हमारा क्या हो गया जी, ये फाइनली हमारा ये ऐसा हमारा डोमेट कैप नॉट ये बन के रेडी हो गया, क्लियर हुआ जी। तो ये फ्री हैंड स्केचिंग पूछा था, तो इसलिए हम लोग इसमें डायमेंशनिंग वगैरह नहीं करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक क्या करते हैं जी, एक पतली लाइन से ये क्या करते हैं, इसको बना भी देते या नहीं भी बनाइएगा तो कोई बात नहीं है। और बाकी ये जो पार्ट दिख रहा है जी,
हमको सिर्फ ये अब सर्किल ये वाला जो ड्रॉ किए हैं थी साइड वाला, ये साइड वाला सर्किल क्या करते हैं हल्का सा इरेज कर देते हैं। क्लियर हुआ जी? ये जो सर्किल ड्रॉ किए थे, या नहीं भी ड्रॉ कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये जितना भी पार्ट ये बनाए वो किस पेंसिल से बनाए जी, HB पेंसिल से बनाए हैं। उसके बाद ये वाला जो बीच वाला जो सर्किल जो बनाए हैं जी, ये भी हल्का सा क्या करते हैं जी, ये डार्क कर देते हैं जी। ये बाहर वाला पार्ट आप लोगों को मिटाने की आवश्यकता नहीं होगी थी। तो ये वाला हमारा क्या हुआ जी, फाइनली हमारा ये इस तरह डोमेट कैप नट बन के रेडी हो गया जी। तो एग्ज़ाम में अगर पूछ रहा है तो ऐसा, ये तो सिर्फ था जी फ्री हैंड स्केचिंग था। एग्ज़ाम में ये फ्री हैंड स्केचिंग कई जगह बार पूछता है, कई बार इसका मेजरमेंट देता है, तो मेजरमेंट देता है तो उसको भी बताएंगे ये कैसे बनता है। तो ये वाला हमारा क्या हुआ जी, तो डोमेड कैप नॉट। क्लियर हुआ जी? ये डोमेड इसी को क्या बोलते हैं, ये डोमेड कैप नॉट होता है जी। तो इस टाइप में हमारा क्या होता है जी, डोमेड कैप नॉट बन के रेडी हो गया। तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में इसी का सेकेंड नंबर सॉल्यूशन लेकर, ये स्नैप हेड रिवेट कैसे बनाते हैं जी, तो इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं जी।